महीने संकट में थी कोविड में, तो गैस का सिलेंडर था 1150, और जब मामा संकट में है तो 450। नंद किशोर पटेल साहब 20 साल पहले विधायक बनाया था आप लोगों ने, कुछ कांग्रेस ने भी कमी कर दी और कुछ आप लोगों से भी हुई कि 30 साल से हमारा आप लोगों ने विधायक ही नहीं बनाया, मतलब नीमच की जनता ने। तो मैं साधुवाद करता हूँ हमारे, मैं हमेशा इनको नंदू भैया को बद्री भैया बोलता था, मेरे को इनका भी बहुत लाड़ प्यार। तो एक दिन मुझे डांट दिया है कि यार सही नाम नहीं लेता इनको, मैं तो लाड़ क्या लेता हूँ, क्योंकि पब्लिक में मैसेज क्या लग जाता है भैया सीधा रे, तो इतना प्यार करते हैं छोटे भाई जैसा। हमारे उमराव सिंह जी हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं गाड़ियों से पैदल, और एकदम सीधा साधा लगता है पर है नहीं, वैसे ही ब्रजेश मित्तल जी एक राजकुमार हिसाब है, दिल्ली वाली किट में पड़ा दो भाई है मैं, हम 2008 में दोनों तीनों चारों टिकट मांगते थे कि हमें दे दे इस घर से उस घर, उस घर से उस घर, उस घर से उस घर, उस घर से उस घर। ये ना सीधे दिखते हैं ना सीधे हैं, उमराव भैया सीधे दिखते जरूर है पर सीधे नहीं है। ओम शर्मा जी तरुण मेरा छोटा भाई, ये सबने हमने सोच लिया था कि ईश्वर के पास चला गया फिर लौट के आ गया, मतलब लगे तो नहीं तो नहीं लगे, भगवान की कृपा रही हम पे। दुआ साहब कहा है, दुआ साहब भाभी को अध्यक्ष बनाया उसके बाद क्या मालूम कहाँ हो आप, भानु प्रताप सिंह जी, महेश यादव जी, बबली तवर जी, आशा सांबर जी, राकेश अहिर जी, हमारे बलवंत पाटीदार जी, मोनू भैया, और मंच पर विराजित सभी मेरे साथीगण, मैं एक आध नाटा साहब का तो परिवार ही है, हम सब परिवार उनके छोटे, चंदर जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ के प्रभारी बन के आए हैं चंदर सिंह सोंदिया जी, जरा राजगढ़ दिग्विजय सिंह साहब के वहाँ के जिला पंचायत के अध्यक्ष, जरा जोरदार तालियों से स्वागत करो उनका। हमारे भाईजान सोनी जी भी बैठे हैं, दूसरे सारे परिवार के, सेवा दल के, यूथ कांग्रेस के, NSUI के, महिला कांग्रेस के हमारी बहनें, और वो सब परिवार के लोग जिनका मैंने नाम नहीं लिया, वो सारे साथी मैं उनको दिल की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, सर रखकर आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। साथियों ये जन आक्रोश क्यों, और कांग्रेस पार्टी को इस यात्रा का शुभारंभ आज भगवान गणेश जी के पावन पर्व से ही तो करना पड़ा। साथियों 20 साल पहले यहाँ हमारा विधायक था भागवा माता की, ये पवित्र नगरी कितनी छली गई है ये एहसास आप सबको, हम सबको होना चाहिए। 50,000 से ज्यादा परिवार के लोग बंगला बगीचा में प्रभावित है, और कई चुनावों में ये हो सका, अब राहत मिलेगी तब मिलेगी तब मिलेगी तब मिलेगी, मिल गई क्या, अरे बताओ मिल गई क्या। हमारे विधायक जी है मूछ वाले परिहार साहब ना, शुरू बार विधायक बने तो 70 किलो के थे और अब 110 किलो के हो गए। अब आप देखो कि रेलवे ब्रिज कितने साल से बनाने की बात हुई, रेलवे ब्रिज कितने साल से बनाने की बात हुई, बन गया क्या, अरे बन गया क्या। सोयाबीन के अभी फसलें नष्ट हो गई, पटवारी हड़ताल पे है, विधायक ने कोई पहल की, अरे की होगी। अच्छा मंडी बंद है, हम माल बेचारे जो अपने वहां मजदूरी करते हैं उनके भी घर बार कैसे चल रहे हैं क्या पता। व्यापारियों का टैक्स वृद्धि के विरोध में मंडी के 14 दिन से बंद है, विधायक ने पहल की होगी समझाने की, कलेक्टर से मिलने की, तो फिर विधायक का काम क्या है केवल, अरे विधायक का काम क्या है पैसे कमाना या मूंछ काली करके
मूंछ काली कर लो, जैसे ही कोई मिले और भैया कई हाल है। ये विधायक का काम है। जब मैंने 3000 रुपए क्विंटल किसानों के गेहूं के दाम की बात की थी विधानसभा में, वो वीडियो आप लोगों ने देखा था, किन्ने किन्ने देखा, जरा हाथ ऊंचा करो। तो आपको याद है जब मैंने ये कहा कि 3000 रुपए क्विंटल जब हम किसान की फसल के दाम की बात करें तो इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें कांग्रेस बीजेपी नहीं होनी चाहिए, इसमें पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए। हम सब मिला एकजुट हो और जब किसान के भले की बात हो तो संकल्प पास करें कि 3000 रुपया क्विंटल किसानों के गेहूं का और धान का दाम मिले। तो उस वीडियो में विरोध करने वाले परिवार की आपको दिखते नहीं दिखते। तो जो विधायक किसान के वोट से विधायक बने, किसान के बेटे का पेट काट काट कर उसकी उसको हार मालाएं फूल मालाएं करें, और जब फसल के दाम की बात हो तो फिर विरोध करें, ऐसा को फिर से विधायक बनाना चाहिए क्या? संकल्प लो बनाओगे क्या? संकल्प लो बनाओगे क्या? साथियों, शिवराज जी को चाहिए जन आशीर्वाद। 20 साल एक मुख्यमंत्री, 3 बार चुनाव हुआ, 1 बार लूट की सरकार का मुख्यमंत्री, कैसा प्रदेश बनाया उन्होंने? उन्होंने प्रदेश बनाया जिसमें विधायकों की मंडी लगी, बोली लगी, कोई 20 करोड़ में बिका, कोई 30 करोड़ में बिका, कोई 50 करोड़ में बिका, 70-70 करोड़ रुपए तक विधायकों को देने का प्रलोभन मिला। दिलीप गुर्जर जी इस बात के साक्षी है। तो एक विधायक बेचने और खरीदने की मंडी बनाने वाले को जन आशीर्वाद मिलना चाहिए क्या? जन आक्रोश उनके खिलाफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे आपने देश में 1 करोड़ नए बच्चे बेरोजगार हैं और आपको जन आशीर्वाद चाहिए? एक बेटा पढ़ लिख जाता है, माँ बाप पेट काट काट कर उसको पढ़ाते हैं, और जब जवान होता है तो नौकरी व्यवसाय किसी न किसी जॉब के लिए भटकता रहता है, कई सालों तक जॉब नहीं मिलता, काम नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती, नशा करने लग जाता है। नशा करता हुआ बेटा जब रात को घर आता है तो उस माँ बाप का कि खून के आंसू रोते हैं नहीं रोते हैं? अरे रोते हैं नहीं रोते हैं? इसका दोषी कौन है? शिवराज सिंह चौहान, इनको एक ऐसा प्रदेश जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सर पर पिशाब कर रहा, क्या ऐसा प्रदेश बनाने वाले को जन आशीर्वाद दे? दोस्तों, ये नफरत और घृणा की जो बात करते हैं लोग कौन है? ये नफरत और घृणा हिंदू और मुसलमान ये करने वाले लोग कौन है? ये हजारों साल से ये जो हमारे दलित भाइयों से अभड़ा जाते थे ना, छुआछूत करते थे ना, उनको उनके सर पे जूते रख के इधर से उधर निकलवाते थे ना, वही सोच है ये जो आज हिंदू और मुसलमान कर रही है। इसके खिलाफ आपको अलर्ट होना पड़ेगा, आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, आप लोगों को समझनी पड़ेगी ये बात कि ये देश राम का है, ये कृष्ण का है, ये प्रेम का है, प्यार का है, पैगंबर का है, महावीर का है, ये गौतम बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर का है। इस देश में सबके लिए जगह, हम सब मिलकर रहेंगे, सब मिलकर मरेंगे, सब मिलकर जिएंगे, प्यार से, प्रेम से। ये देश महात्मा गांधी का है, संविधान का है, ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई, इसका है देश। आप सबसे अनुरोध है कि किसान की बात करने वालों को ये नहीं पता कि 16 रुपए का प्याज हो गया तो इन्होंने 40% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, लगाई नहीं लगाई? तो ये नीमच के किसान जब प्याज पैदा करते हैं कोई गुनाह करते हैं? जब प्याज फेंकने पड़ते हैं तब ये किसान का एक सरकार का भी जागी? तीसरे साल लहसुन फेंकना पड़ा कि नहीं फेंकना पड़ा? क्या किसान ने उस पर ध्यान दिया? और थोड़ी सी टमाटर महंगे हो गए तो हवा तोल मचा दी, मचाई नहीं मचाई? तो मैं अनुरोध करना चाहता हूं, 20 साल में एक मुख्यमंत्री के पास जो था सब दे दिया उसने, अब मुख्यमंत्री नया चाहिए कि नहीं चाहिए? सरकार नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए? विचार नया चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आप सब संकल्प लो,
इस बार हाथ के पंजे को हर हालत में नीमच से विधायक बनाएंगे। बनाओगे कि नहीं बनाओगे? फिर से संकल्प लो एक साथ हाथ खड़े करके कि हाथ के पंजे को हम सब मिलकर विधायक बनाएंगे। भारत माता की। बिजली के बिल माफ होंगे, किसानों का कर्ज माफ होगा, 5 हाथ पांव के बिजली के बिल माफ होंगे, 550 रुपए का गैस सिलेंडर होगा, बहनों को 1500 रुपए के खाते में आएंगे, और जितने किसानों के बच्चों पे मुकदमे हैं वो वापस होंगे। ऐसी 11 गारंटी है। आप सबको इतनी देर तक, मेरे ख्याल से 10 बज गए होंगे, 9:30, मैं आप सबको खूब ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद देता हूँ। हम सब कल चावल करेंगे, चावल तो और लंबी बात करेंगे। मैं भी सुबह जब खिलाया तो बिना खाना खाए कितना बोल रहे यार। तो मैं आप सबको बातचीत की बात चावल करेंगे। एक बार फिर साधुवाद, धन्यवाद। भारत माता की। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री, आदरणीय विधायक एवं जन आक्रोश यात्रा के प्रभारी श्री जीतू पटवारी जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदरणीय प्रभारी श्री कुलदीप इंदौरा जी, पूर्व मंत्री आदरणीय नाहटा जी, आदरणीय विधायक श्री दिलीप गुर्जर जी, आदरणीय पूर्व विधायक नंदू पटेल जी, भाई उमराव सिंह जी, जिला कार्यकारी अध्यक्ष ओम शर्मा जी, तरुण बाहेती जी, यहाँ पर मौजूद ब्रजेश मित्तल जी, यूथ कांग्रेस और पीछे मेरी जानदार, मेरे ब्लॉक अध्यक्ष सभी साथी मोनू लोग, राकेश अहिर, विनोद दत्त, विनोद सिंह, बलवंत सिंह और एससी डिपार्टमेंट माइनोरिटी हिदायतुल्ला शेख, सारे भाइयों और साथियों, हमसे पूछा जा रहा है जीतू पटवारी जी कि ये जन आक्रोश क्यों? इन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली और जनता ने आशीर्वाद देने से इनकार कर दिया। इन्हें जूते, चप्पल, पत्थर के साथ अपना विरोध किया। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली सत्ताधारी पार्टी जिस पर आम जनता ने अपना रोष और अपना गुस्सा दिखाया है। नीमच जिले की घटना है कि सरकार खुद को हिंदूवादी सरकार कहती है, और मैं शुरुआत अगर नीमच जिले से करती हूँ तो हमारी गौ माता, 27,000 गौ माता के चाय की भूमि छीनने का काम ये सरकार करती है। ये सरकार कहती है कि हमने विकास नहीं किया, लेकिन हम सच्चे हिंदूवादी हैं, इसलिए हमें वोट देना चाहिए। मैं इन सच्चे हिंदूवादियों से पूछना चाहती हूँ कि बाबा महाकाल लोग, जहाँ पर कमलनाथ जी ने 300 करोड़ रुपए दिए थे, एक तूफान आता है और सप्त ऋषि की मूर्तियां नीचे गिर जाती हैं और इस हिंदूवादी सरकार का असली चेहरा जनता के सामने आ जाता है। जीतू पटवारी जी ये कहते हैं कि हम हिंदूवादी हैं। मैं उज्जैन की बाबा महाकाल की नगरी से यहाँ पर आई हूँ और माँ शिप्रा, मोक्षदायिनी शिप्रा जिसे कहा जाता है, आज उसका आंचल मेला शिवराज सिंह चौहान ने किया है। 16 गंदे नालों का पानी माँ शिप्रा में मिल रहा है और दूसरी तरफ राम गमन वन पथ के लिए कमलनाथ जी ने 2200 करोड़ रुपए दिए थे, इनकी सरकार ने उसकी कोई चर्चा नहीं की गई। हमारी जन आक्रोश यात्रा के प्रभारी के रूप में यहाँ जो विधायक मौजूद है जीतू पटवारी जी, ये असली किसान पुत्र है, हाथ उठाकर देख लीजिए, क्योंकि किसानों को समर्थन मूल्य में गेहूं खरीदना पड़ेगा, ये आवाज विधानसभा में बुलंद करने का काम जीतू पटवारी जी ने किया है। मध्य प्रदेश का किसान जब बिजली मांगता है तो उस पर लाठियां ही नहीं बरसाई जाती बल्कि उसके सीने पर गोली मारी जाती है। ये जन आक्रोश इस बात का है कि इस धरती में जिस किसान का लहू बहाया गया है उसके संकल्प के
शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना की बात करते हैं। जब कोरोना काल था, मध्य प्रदेश की बहनें संकट में थी, मध्य प्रदेश की लाडली बहनें जब संकट में थी तो सिलेंडर 1150 रुपए में दिया गया। और आज जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार और शिवराज सिंह चौहान स्वयं संकट में है तो सिलेंडर 450 में देने की बात की जा रही है। क्यों? तो 500 रुपए का जो 18 साल से आपने घोटाला किया, ये कमीशन कौन सरकार, ये झूठी सरकार। मध्य प्रदेश का युवा आज सड़कों पर भटक रहा है। जीतू पटवारी जी, ये जो सरकार 2.5 करोड़ की रोजगार की बात करती है, मध्य प्रदेश के रोजगार दफ्तरों में जाकर देखिए, पिछले 4 सालों में महज 324 नौकरियां देने का काम किया है। ये सरकार सच्ची हिंदूवादी सरकार नहीं है। सच्ची हिंदूवादी नेता और सच्चे सनातन धर्म वाले अगर कोई है तो कमलनाथ जी है, जो बाबा बजरंग बली की 101 फीट की प्रतिमा बनाते हैं। ये चुनाव ढोंगी हिंदुओं के साथ सच्चे हिंदुओं का है और सच्चे हिंदू की परिभाषा है जो इस बाबा अंबेडकर साहब के संविधान को मानता है। सच्चे हिंदू का अर्थ है जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, गरीब, पिछड़े, आदिवासी, बेरोजगार सबको एक साथ लेकर चलता है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, समय कम है, लेकिन 2023 में प्रत्याशी बहुत हैं, लेकिन आपको हाथ का पंजा देखना है तभी किसानों की सरकार बन सकेगी। और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बनना चाहते कि उन्हें कुर्सी चाहिए, मुख्यमंत्री इसलिए बनना चाहते हैं कि उस पावर का उपयोग किसानों के कर्ज माफी के लिए करना चाहते हैं, बहनों की सुरक्षा के लिए करना चाहते हैं। ये वो मध्य प्रदेश है जहाँ आदिवासी भाई के मुंह में मूत्र किया जाता है। ये वो मध्य प्रदेश है जहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जब लाडली बहना पर भाषण देते हैं, सागर में एक दलित माँ को निर्वस्त्र कर दिया जाता है। जन आक्रोश की मुट्ठी बांधिए, एक बार